हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से VWIC चैनल में और मैं अमित कुमार सोनी स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं डेली, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो अधिक से अधिक लाइक करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत ही लेटेस्ट अपडेट्स मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं और वो है सीधी कोर्ट रूम से। दोस्तों, 23 सितंबर का सबको इंतजार था कि आज 27% आरक्षण का फैसला हो जाएगा, तो दोस्तों क्या हुआ उस कोर्ट रिजल्ट का, आगे की न्यूज क्या रहेगी, तो आइए दोस्तों चलते हैं पूरी डिटेल में। दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को आज कोर्ट का ऑर्डर दिखा देता हूं कि आखिर क्या हुआ है इस ओबीसी 27% मामले पर सुनवाई में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, 10310 नंबर का ये केस था, 2019 का मामला था और इसमें जो डिसीजन आया है वो आया है कि इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि ये जो है 23/9/2020 इसका अंतिम अपडेट था। देखिए दोस्तों, शीट आपके सामने है, जस्टिस थे संजय यादव और एक और जस्टिस इसमें रहे हैं वो हैं बीके श्रीवास्तव, और संभावित तिथि में आप देखें ये वही डेट है जो कि आगे की डेट सुनवाई के लिए दी गई है, तो वो है 2/11/2020 यानी कि 2 नवंबर 2020 को इस डेट को दिया गया है अगली सुनवाई के लिए 27% आरक्षण के ओबीसी के मामले को। दोस्तों, ये सोचा जा रहा था कि 23 सितंबर को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी और सभी कुछ स्टार्ट हो जाएगा, पीएससी है और भी साले आगे आने वाले एग्जाम है, लेकिन गवर्नमेंट ने किसी चुनावी स्टंट के तहत इस डेट को आगे बढ़वा लिया है। तो दोस्तों, आइए हम अब आगे बात करते हैं कि याचिकाकर्ता कौन कौन रहे और आखिर मैटर क्या था, थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, उसमें कितनी डेट बढ़ाई गई ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए दोस्तों, कमलनाथ जी ने तो 27% आरक्षण दे दिया था, लेकिन कौशल कांत मिश्रा जो कि हैं सुल्तानपुर नई दिल्ली के, उसके बाद में हैं प्रोफेसर गिरीश कुमार सिंह जो कि हैं सागर के, और इसमें जो तीसरा याचिकाकर्ता है वो हैं वेंकट रामन कृष्णमूर्ति। दोस्तों, ये तीन याचिकाकर्ता थे जिन्होंने की हाईकोर्ट में 27% आरक्षण के विरुद्ध ये कहकर याचिका दायर की थी कि ये संविधान के विरुद्ध है जो कि संविधान के 50% आरक्षण का विरोध करता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है डेट पर डेट बढ़ती जा रही है। अब इसमें दोस्तों कितनी सारी डेट्स बढ़ गई हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। जैसा कि आप सब लोग ये देख रहे हैं कि 19/6/2019 से ये डेट्स बढ़ना स्टार्ट हुई थी और आज 23 सितंबर है और लेटेस्ट डेट जो दी गई है वो है 2 नवंबर 2020। दोस्तों, देख सकते हैं आप किसका फैसला पता नहीं क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको क्यों टाला जा रहा है बार बार, ये तो समझ से परे है। तो दोस्तों, आखिर मैटर क्या है, वकील क्या कहते हैं हाईकोर्ट के, उनकी भी थोड़ी सी चर्चा सुन लें आप लोग। पास किया था उस इंटरिम ऑर्डर को कंटिन्यू किया गया है कि रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ 14% रहेगा ओबीसी का, और 4 हफ्ते बाद इसको फिर से लगाया गया है मामले को फॉर मुख्य सुनवाई के लिए। अभी जो रिप्लाई पेश किया गया है सरकार के द्वारा, उसमें मेन जो सरकार का पॉइंट है कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में वो 51% है, और टोटल पॉपुलेशन का ही SC ST ओबीसी की देखी जाए तो उसका टोटल आ जाता है 87% पॉपुलेशन SC ST ओबीसी की है मध्य प्रदेश में, इसलिए हम ओबीसी का रिजर्वेशन 14% से बढ़ा के 27% कर रहे हैं। जो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है 1993 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 9 जजेस ने ये बोला है क्लियरली बिल्कुल कि पॉपुलेशन के बेसिस पे कभी भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस तरह कहीं रिजर्वेशन दे दिया जाए हिंदुस्तान में तो दैट विल अमाउंट टू रिवर्स रिजर्वेशन फॉर द जनरल कैटेगरी, कि जनरल कैटेगरी जो है वो तो फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, कहीं के इस प्रपोर्शन को कहीं माना जाए तो फिर 87% रिजर्वेशन भी दिया जा सकता है हाइपोथेटिकली, क्योंकि SC ST ओबीसी की टोटल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में कम्स टू अराउंड 81-85-87%, सो दैट इज नॉट द वे। तो मेरे हिसाब से ये जो जजमेंट है इंदिरा साहनी का, ये इंदिरा साहनी का जजमेंट बार बार हर जजमेंट में 2020 तक जो भी लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बार बार ये कहा गया है कि जहां तक रिजर्वेशन है वो पॉपुलेशन पे नहीं बेस हो सकता, कहा जाए कि 14% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो ही जारी रहेगा। हाँ जी, अभी जो है अभी मध्य प्रदेश में सिर्फ 14% आरक्षण ही जारी रहेगा और किसी भी कंडीशन में 27% ये लागू नहीं कर सकता।
दोस्तों कमलनाथ जी ने ये आरक्षण लागू किया था और उसके बाद में याचिकाकर्ताओं के द्वारा इसका विरोध किया गया और कोर्ट में याचिका लगा दी गई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये 23/9/2020 का ऑर्डर शीट है, जो कि अब नया ऑर्डर एक और आएगा जिसमें कि 2/11 की डेट रहेगी। अब वो जैसे ही अपडेट आती है मैं आप लोगों को उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों मुद्दा ये है कि अब ये डेट बढ़ चुकी है 2/11/2020 को। अब फैसला आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन विद्यार्थियों के हाथों निराशा ही हाथ लगी है। उपचुनाव भी आने वाले हैं, तो अब ये फैसला हो सकता है कि उपचुनाव के बाद ही आए। तो दोस्तों मिलते हैं नई अपडेट के साथ, लेटेस्ट वीडियोस के साथ। जय हिंद। शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।